इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करनी है जिसने पिछले मार्च में लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जो जो लोगों ने खिदमत दी, काम की। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदान करूँगा उलमा इकराम का, कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, गाइडलाइंस आने लगे पुलिस के, डीसी के, फिर अगर गाइडलाइंस आते थे बापोर्ट बैंगलोर से, हमें समझता नहीं था कि अंजुमन खान कैसे करें। तो हम हमारे साथ उलमा इकराम रहते थे, फिर उनसे बातचीत करके वो जैसे हमें एडवाइस देते थे रमज़ान के बारे में, अज़ा के बारे में, नमाज के बारे में, डिस्टेंसिंग के बारे में, मजाजी को डिस्टेंसिंग के बारे में हम आपसे पहुँचा रहे थे। कभी कोई भी हमारे काम में, हमारे मुफ्ती अब्दुल्ली साहब हैं, मुफ्ती मंजूर साहब हैं, मौलाना सलीम है, मुफ्ती कासिम साहब हैं, बाकी पूरे हमारे काम, कभी ये नहीं था कि कोविड है मैं आ नहीं सकता, बाहर नहीं पढ़ सकता। जब भी हमने ज़रूर समझी कि हमें मुश्किल हो रही है, उन्हें हम दावत देते थे तो आके यहाँ पे बाहर बैठ के या हॉल में बैठ के हमें कैसे जाना और क्या कौन को समझाना, क्या बोले हमको समझाना, कैसे समझाना, वो हमें एडवाइस कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारे जमात के मतलब जमात का सदर, जब हम आपके पास आते थे आपको समझाते थे, आप कौम को और जमात को वहाँ पर समझाते थे। आपके बगैर जानता हूँ मैं कि आपको काफ़ी मुश्किल आता है, अब क्यों पाँच आना, वही पाँच क्यों रहना, आज क्यों नहीं रहना, वो पाँच में मैं क्यों नहीं हूँ, ये आपके सामने आए हैं, ये बातें आई हैं, आप काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरे हैं, लेकिन आपने भी जमात को संभाला, लोगों को संभाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं, पूरे हमारे अंजुमन की टीम के अंजुमन इमरान की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर हमारी अंजुमन की टीम, अंजुमन के मेम्बरान, लॉकडाउन चला था, पुलिस परेशान करती थी, तकलीफ बात है, लेकिन ये टीम में जुड़ करके रहे। इस टीम के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं था। मैं शुक्रिया करता हूँ पूरी मेरी टीम का, पूरे अंजुमन का, हमारे बात बोर्ड चेयरमैन साहब का, कि हर रोज हमारे साथ रहे और आपके
बगैर यहाँ पे कुछ भी मिलना मुश्किल मुश्किल था। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं पूरे इंदौरों का, मालिका रहमानिया फाउंडेशन, अल शिफा, अल नसर, मदीना और भी जो जो इदारे जो मिलकर काम किए, इसमें ये नहीं था कि वो बड़ा है मैं उसको क्यों पूछूँ, ये है कि इसको क्यों छोड़ो। हर इदारा ने एक दूसरे से मिलकर काम किया। हमारे यूएससी आजम नगर का जो भी इदारा था हमने सब मिलकर काम किया, कोई बड़ा नहीं था कोई छोटा नहीं था। जैसे वो मुश्किल आते थे, जैसे तकलीफात आते थे, हम सब मिलके बैठ के काम किया है। मैं हम सभी देवताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं बात नहीं करूँगा वो देव मुझे माफ कर देगा। तकलीफात क्या है बहुत थे हमारे, जैसे आपको थोड़ा एक पांच मिनट वक्त लेता हूँ आपका पूरा नजर आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, जैसे ही कोविड केसेस हमारे सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, कुछ पेशेंट्स को क्वारंटाइन करने के लिए बताया गया। अपने ही थे जब आपसे आए थे तो मंडोली रोड पे कहाँ पे एक हॉस्टल में देखे गया, वहाँ का पूरा काम जाके उस हॉस्टल को घेर लिया कि हम यहाँ पे इनको नहीं रखेंगे। जैसे हम यहीं पे थे, जो जैसे ही मालूम पड़ा है मैं साहब से जाके बात की, डीसी साहब बस गए, कुछ एम मेम्बर गया, उन्होंने बोला कि ये हमारे लोग हैं, हम क्वारंटाइन उनको हम यहीं पे करेंगे आज चलो। तो बोले वो प्रोसीजर है, वैसे प्रोसीजर बोले हर चीज़ हम फॉलो करेंगे, कोई तकलीफ बात नहीं है। उन्हें मंडोली रोड से सीधा पहले यहाँ पे लेके आया, बस जो पहले क्वारंटाइन जो फर्स्ट क्वारंटाइन जो बेलगाम में हुआ, शहर में हुआ, वो हमने यहाँ पे लोग ले किया। फिर जैसे बात बढ़ती गई, अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स हॉटल्स में किए, लॉजिंग में किए, हमारे हनीफ भाई थे और बाकी के भी जो थे वो अर्जुमन की टीम थी। क्वारंटाइन सेंटर में हमारे राहत होटल के मालिक हनी साहब थे, हमारे मोहसिन भाई हैं, समीर हैं, बाबूलाल है। रमजान का महीना था, उनको सहेली और तैयारी के कैसे पहुँचाए तो राहत होटल में हम खाना पका देते हैं और उनको पहुँचा देते थे। रात पे हनी भाई शाम में जाके फ्रूट वगैरह पहुँचा देते थे। देर रात मेहनत की है लोगों ने, हमारे कुछ जमात के भाई को बड़े चेकपोस्ट पे अटके हुए थे, तो हमारे हनी भाई समी वाला बाड़ी वाले साहब, हमारे चेयरमैन साहब यहाँ से वहाँ गए, दो रोज रुके वहाँ पे चेक पोस्ट पे, ऐप पे कैसा निकलना, वहाँ से जमातों को कैसा निकालना, काटमेलाट की जमात जमात थी, केरला की थी, रामनगर की थी, दावणगिरी की थी, चित्तौड़ की थी, आंध्रा की थी, हमारा फिर बसी बशीर साहब भी साथ में थे हमारे, उनको कैसे पहुँचाना है, कितने कोई की गाड़ी करके पहुँचा दे। जैसे कभी एक जमात में कोई पेशेंट निकला तो हमारे सकुल्ला साहब को, हमारे आमिर को फोन आने लगे कि वहाँ पॉजिटिव है तो भी क्वारंटाइन हो जाओ,
चेक करते रहे, मुश्किल से गुजरते गए। हमारे फिर हमने देखा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। और सबसे पहला जैसे ऑक्सीजन कम होता है तो पेशेंट को दवाई से ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो हमारी मेडिकल टीम तैयारी मेडिकल, उसमें राजा मुल्ला साहब थे, की वाले साहब थे, अर्शद मोमिन भाई थे, गफार साहब थे, शेखवा गफार भाई कैंप के, फहीम नागवाड़ी थे, हल्क एक रात के खादर भाई मिल गए हमारे साथ आए थे। ऐसा मंजर था कि कभी कभी ऑटो में पेशेंट आ जाते थे ऑक्सीजन सिलेंडर के। यहाँ पे हमारे बच्चे ऑक्सीजन का मीटर लगाना भी सीख रहे थे, ऑक्सीजन देना भी सीख रहे थे, यहीं पे ऑक्सीजन दे देते थे, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर देखिए घर में ही दे देते थे। उसी वजह से शिवर से मेरे को बोलते कि ऑक्सीजन नहीं है तो मंजू में चले जाओ, तो यहाँ से ऑक्सीजन लेकर घर पर भिजवा देते। एक बार वाक्य ऐसे हुआ कि एक पेशेंट आया, हालत बहुत खराब थी, जैसे ही ऑक्सीजन लगाने को गए तो पेशेंट यहीं पर दम तोड़ दिया। बहुत से बदले हमने देखी है, बहुत से ऐसे बदले देखे। हमारी बैरियर टीम थी यहाँ पे अशफाक मुजावर, अशफाक गोरी साहब, बाबूलाल मुजावर साहब, अमजद मोमिन साहब और डॉक्टर नबीर, डॉक्टर नबीर शायद बाहर चले गए। हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला, कैसे होने वाला और क्या करेंगे। तो डॉक्टर नबीर साहब ने प्रोटोकॉल लिया, बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग दी थी, उसमें हमारे बड़े भी आए, हमारे तकलीफ आए थे, सादिक पिज़ा दे थे, मदरसा साहब थे, सुबानी जी थे, रियाज धोबी थे, और लेडीज में गुसल देने के लिए हमारे लोग हसीन आ पाते और रहान आ पाते हैं। इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जब आपस के घर के लोग नहीं आ रहे थे, ये बच्चे और एक हाथों जाके गुसल दे रहे थे। एक दो मंजिल ऐसे आए जैसा कि मैं जिंदगी भर नहीं भूला। जैसे पहले दो दिन लोग मिले हुए, एक निपानी बच्चे, एक निपानी का लड़का था, बच्चा था, खूबसूरत बच्चा था, नौजवान 28 साल का था, उसकी बढ़िया नहीं आ गया। वो पहले दो दिन भोज में इतनी हमको भी नहीं पता था क्या करना है। साथ में उसके अब्बा थे जो भी खांस रहे थे, परेशान थे। जैसे हमने बच्चों को दफनाया, हमने उनसे अब्बा से कहा कि आपकी भी तबीयत ठीक नहीं होती, आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए। वो बोले कि मैं गाँव जाता हूँ, कुछ ही दिनों में उनकी मौत आ गई। फिर और मेरे दोस्त थे नेपाली से, और मैं तय करके पता चलता हमारे साथ दोस्त कपूर भाई, हमारे शिवपुरी बाड़ी वाले साहब थे, पूछने गए तो उस बच्चे के बाद
उस मैयत के सामने 16 साल का छोटा बच्चा था, घबरा गया हुआ, उसको पता नहीं था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो हमारे अशफाक भाई सनी का भाई ने लेकर के बस एक होटल के कमरे में रख दिया, उनके बेटे भी यहाँ पे रह जाए थोड़े रोज, उसको मालूम करके उसको देखते रहे। 8-10 रोज में ठीक हुआ, फिर उसको बैठ के उसको गाँव में भेज दिया। बहुत तकलीफ होती थी देख के, दर्द में सुन नहीं सकते थे। फिर और एक मेहनत आई जो 4 रोज के बाद में मॉर्चर से सीधा लेके आए हैं, लेकिन कोई यहाँ पे कोई हमारे गेट के पास हमारे गए हैं, रो रहे थे। उस जो मैं चाहे थे उसकी बहन थी, उनकी बीवी थी और उनकी माँ थी, वो बता रहे थे कि हमारे बोल रहे थे कि हमें एक बार उसका चेहरा देख लीजिए। स्टार्टिंग के 1-2 रोज हुए थे, यहाँ पे पुलिस भी रहती थी, कॉर्पोरेशन के डॉक्टर्स भी रहते थे और सीधा एम्बुलेंस लेके अंदर नहीं चले जाते थे। इतना बेबस हो गए आपस में कि भय को भय का चेहरा ना दिखा सके, एक माँ के तो बेटे का चेहरा ना दिखा सके। चार महीने के बाद पूजन पर 40 से 50 महिला आती थी, रोज 20-25-30 आने चले चारों हो गई। हॉस्पिटल से 5-6 आती थी तो 10 से 20-25 आती थी। हमारे गोरखंड ने कब्र खोद तो नहीं सकते थे, फिर हमारे शकील भाई थे जेसीबी लेके आए, तो जेसीबी वाला अंदर नहीं जा रहा है, वो बोल रहा शकील भाई तुम बाजू में बैठो तो मैं कब्र खोदूंगा। तो बाजू में बैठते रहते थे और एक टाइम 40-50 कब्र खोद देते थे। देखे तो 2 दिन में वो खत्म हो जाते थे, तो चालू होता था। कोविड के हुआ एक अंदर वहाँ पे खोदते थे। शुक्र है।
भेजा है, दिन हो शाम हो रात हो, पानी इतना ट्रेन हो गए थे कि वो जाके मैं आई हॉस्पिटल खोल के गुसल देने का चालू कर दी, अंदर जाके गुसल खाने से जाके गुसल दे। सच में ही दोस्तों आज अगर कोविड ने कोई काम किया तो ये बच्चे किए हैं, क्योंकि फोन आते थे कि गैर मुसलमान के हैं उनको सदा श्रीनगर में लेके जाने का लेके जाने के लिए कौन है नहीं, तो हमारे एक बार प्रगत वाले भाई थे यही बच्चे जाके सदा श्रीनगर स्मशान में भी गए, साथ में अशरफ भाई जाते थे, आमिर भाई जाते थे, सगे जाते थे, वहाँ पे भी जाके उन्होंने हवाला करके आते थे, वहाँ भी उनका कार्यक्रम करते थे। तो जैसे गैर लोग में भी बोले थे कि हिम्मत है तो मुसलमान का होना चाहिए, हर एक नाम को अपना फर्क निभाया है, हर एक ने काम किया है। मैं शुक्रगुजार हूं साहब का, इसका नाम दिया और इसका नाम नहीं भी दिया कि ऐसी खिदमत इन्होंने दी है। अल्लाह न करे कि आज ये फिर से ऐसा वक्त आए, लेकिन आए तो हमारे अंजुमन की टीम और पूरे इदारे, मुझे मालूम है उनकी तरफ से मैं भी कह सकता हूँ, हमारे मदीना वाले जो बैठे हैं, हमारे ऑडियो वाले जो बैठे हैं, कि हम ऐसी खिदमत आपको देते रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, हम दिन रात रहेंगे। खुदा न करे कि ऐसा और एक वेव आए या कुछ आए। लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सुनने में आता है। आज आपको हमने बुलाया था, हमने आपको शुक्रिया अदा करने के लिए भी थोड़े लोग पूछे कि क्यों बुलाया, कैसे बुलाया है, क्या वजह है। हमारे दिल में सिर्फ ये सब कुछ शुक्रिया अदा करने के सिवाय कुछ नहीं और कुछ नहीं। हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, सभी इदारे वालों का जो मिलजुल के काम किया है, आगे भी मिलजुल के काम करेंगे, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हमने ये काम इसमें मियाँ के नहीं किया कि कोई बड़प्पन दिखाना चाहते थे, कुछ बड़े बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। हमने सिर्फ उसके राजी मारने के लिए किया है, सिर्फ उसके लिए किया है। बहुत से गुना हुए हमारे हाथ से गुनेगार है। अगर ये कुछ हमारा कुछ देख के ऊपर वाला हमें माफ कर दे तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम सिर्फ उसको राजी करने के लिए करते हैं, सिर्फ उसको राजी करने के लिए करते हैं। जैसे लॉकडाउन में लोगों ने सिलेंडर्स दिए, पैसे दिए, ऐसे ऐसे आ गए लोगों ने कहा कि यह रकम ले लो, ये कर, कभी पैसे की कमी नहीं पड़ी हमारे, कभी भी नहीं पड़ी। जैसे लॉकडाउन हुआ था राशन का, बहुत से घरों से आने के राशन की कमी पड़ रही है। मैंने सभी को साहब और गफूर भाई ने जाके साहब से मिला है कि हमें राशि की कमी पड़ गई, लोगों से मांग आ रही है। रमजान में तो अपना जो देने जाए देते ही हैं, बोले हमारे बाजू में आ रहे हैं लोग, यहाँ पे लोग आके पूछ रहे हैं, घर से आ रहे हैं, करियों से आ रहे हैं। तो साहब ने हमारे पास हमारे लिए 15 लाख का राशि भेज दिया, हमने पैसे उन्होंने दिए थे। ऐसे सिलेंडर देने वाले थे लोग, कोई लोग कोई ऑफिसर थे हमारे पुलिस के, बोले कि ये ले लो पैसे आके देखिए, बोले नाम मेरा नहीं चाहिए, रिसीप्ट मेरे नाम पे मत काटिए,
फिर तो हम पढ़ना तो हम अपने बच्चे के नाम पर फिर करके दे दिए हैं। बहुत से लोग शुक्रिया अदा करते, मैं सब तक खड़ा रहूँगा तो सुबह भी हो जाएगी तो टाइम कम पड़ेगा। अंजुमन इस्लाम आपका इदारा है, हमारा इदारा है, जब भी मैं बोलता हूँ अंजुमन इस्लाम तो मैं बोलता हूँ ये मेरा इदारा है और किसी का नहीं है। ये इसलिए नहीं कहता हूँ कि मेरा इदारा है, मैं हर एक तरफ हर एक उलमा दुनिया में है, जो भी बड़े बैठे हैं, जो भी हमारे बच्चे बैठे हैं, मैं वो सब कि नजर ये वहां पर लाना चाहता हूँ कि हर एक ना बोले कि अंजुमन मेरा इदारा है। हमारे बाद में नौजवान आएंगे काम करने के लिए, मेरी यही है उनसे एडवाइस है कि काम करना हो तो इसके बदले में मेरे को क्या मिलने का ऊपर देखिए, काम करना हो तो काम कीजिए बाकी का ऊपर हम पे छोड़ दीजिए। और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं निपानी वालों का, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं संकेश्वर की जमात का, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं प्रवेश की जमात का जो हमारे साथ जुड़ के रहे और हमारे साथ काम के। निपानी की जमात का एक दो मिनट वहाँ के बच्चों की इंपार्ट करता हूँ, एक दो ही मिनट लेता हूँ मैं आपके। रमजान को दो रोज पूरा लॉकडाउन कर दिया गया, कोई कर्नाटक में आएगा नहीं, बाहर से चेक पोस्ट से या हो, बस से हो या फ्लाइट से हो। वहां पे हमारे रामनगर बैंगलोर के पास दो उम्र वाले लेडीज थे, एक बुजुर्ग थे और एक नौजवान था उनके साथ। हमने रिक्वेस्ट की, वो काफी मदद कर रहे थे, जैसे रेड्डी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, हमारे डॉक्टर असुरराज हैं, डॉक्टर नाडगौड़ा हैं, नस्लापुरे साहब हैं जो बुढ़ा के चेयरमैन के कमिश्नर हैं, हर चीज़ से हमारे मदद करते आ रहे थे चेक पोस्ट से। लेकिन उस रोज जब बंद हुआ तो उन्होंने आज इसके बाद हम पूछ सकते थे और वो चार लोगों को बस वाला कार वाला वहाँ पे चेक पोस्ट पेट नीचे छोड़ के चला गया। रामनगर से हमें फोन आ रहे थे कि किसी की तबीयत, उसमें एक बहन की तबीयत थी नासाज है, बीमार है, इनको कैसे भी हमारे तक पहुंचा दीजिए। यहाँ से और भी हमारे समेला भाई नानी भाई वगैरह गए चेक पोस्ट पे, कुछ हो भी रहा था। इन वो नौजवान निपानी के शुक्रिया अदा करता हूँ, खेतों में से गाड़ी अपनी खुद की लेके आके हाईवे पे चेक पोस्ट पास करके ला के दिए के एक दिन पहले, फिर उन्हें यहाँ ला के दो रोज यहीं पे कमरे में यहाँ पे उनके ध्यान रखा हमने। हमारे अंजुमन के बच्चों ने खाना पीना हर चीज का बंदोबस्त किया। फिर जैसे ही ईद हुई दूसरे दिन हमने एक गाड़ी में बेच के यहाँ से रामनगर भेज दिया। ऐसे ऐसे बच्चे भी काम किए हैं जो खड़ियों में रहते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो मेरे से गलती होगी, उसके लिए मैंने वापस माइंड किया। सभी का शुक्रिया जो हमारे से जुड़ के काम किए, बहुत बहुत शुक्रिया।